You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppets. अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप कोई रेमेडी अपने बालों में अप्लाई करोगे और वो रेमेडी आपको फटाफट से आपके बालों में हो रही स्वेटिंग से छुटकारा दिला देगी एंड नेक्स्ट टाइम आपके बालों में कोई स्वेटिंग नहीं होने वाली है, तो आप लोग बिल्कुल भी रॉन्ग हो। गर्मियों का नेचर है गर्मी लगना और सर्दियों का नेचर है सर्दी लगना। तो जिस तरह का मौसम रहता है हम सब वैसा ही फील कर रहे होते हैं, वैसी ही चीज़ें हम सब पे अफेक्ट कर रही होती है। अगर आप बारिश के मौसम में बाहर निकल जाओगे तो डेफिनेटली आप भीग जाओगे, लेकिन हाँ अगर आपने अपने साथ अम्ब्रेला कैरी किया होगा तो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन ज़रूर मिल जाएगा। समझदार को इशारा ही काफ़ी है, तो आप सब भी समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे आपको एक प्रोटेक्शन रेमेडी देने वाली हूँ जो कि आपके बालों से स्वेटिंग को दूर करेगी। और ये रेमेडी फुल ऑन डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो कि अपने बालों की हेयर ग्रोथ चाहते हैं, वो भी इस गर्मी के मौसम में। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज डायमंड किंग्स एंड वेलकम टू ऑल माई लवली फैंस एंड फैमिली आउट देयर। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं, अपने बारे में अच्छा अच्छा सोच रहे हैं और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे अपनी जान पहचान करवा देती हूँ। हाय, मैं हूँ अक्षा सिद्दीकी और मैं ही हूँ वो लड़की जो बनाती है ऐसी वीडियो जिससे आपकी स्किन, हेयर, बॉडी सब कुछ क्लीन एंड हेल्दी रहते हैं। ऑल्सो मैं इंक्लूड करती हूँ अपनी वीडियो में वो सारी की सारी होम रेमेडी जिसने मुझे टॉप के रिजल्ट दिए हैं, जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। मौसम कोई सा भी हो, हम लोग उस मौसम को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में अगर आपने स्वेटर नहीं पहनी तो आपको ज़्यादा ठंड लगेगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। गर्मी के मौसम में आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया, आप अपने आप को कवर करके नहीं निकलोगे तो आपको टैन हो जाएगा और आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। बारिश के मौसम में अगर आपने छाता नहीं लिया तो आप भीग जाओगे और आपकी अगेन तबीयत खराब हो जाएगी। तो हम लोग वेदर को नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वेदर से बचने के लिए, वेदर से होने वाले नुकसान से बचने के लिए किसी ना किसी प्रोटेक्शन का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा ही एक प्रोटेक्शन आप सबके साथ आज शेयर कर रही हूँ, जो कि अगर आप यूज़ करोगे 14 डेज तक लगातार तो आपके बालों की जो ग्रोथ है वे फटाफट से बढ़ जाएगी और आपको जितनी भी स्वेटिंग हो रही होगी बालों में उससे आपको फौरन आराम मिल जाएगा। कोशिश करो कि अगर आप बाहर गए हो और आपके बाल में बहुत ज़्यादा पसीना आ गया है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो गई, तो फौरन के फौरन घर पे आके इस रेमेडी का इस्तेमाल करो। इससे आपके बालों में किसी तरह का कोई लॉस, कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका हेयर फॉल भी रुकेगा। देखो, आपके बालों में अगर ग्रोथ नहीं आ रही ना तो उसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं और छोटी छोटी चीज़ को समझना ही एक प्रोसेस कहलाता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ के प्रोसेस पे ध्यान दोगे, किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके चलोगे, तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो इतना अच्छा मिलेगा, साथ ही साथ वो परमानेंट होगा और दोबारा से आपको प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली है। तो लेकिन ये वाली रेमेडी अगर आप यूज़ करोगे तो ये रेमेडी आपके बालों की जितनी भी स्कैल्प से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन सब से आपको छुटकारा दिलाएगी। और अगर आपकी स्कैल्प क्लीन है ना तो आपके जो बाल हैं वो अपने आप ही लेंथ में आएंगे, और जिससे हम लोग हेयर ग्रोथ कहते हैं, और हम सबको लंबे बाल बहुत ज़्यादा पसंद है। गर्मियों के मौसम की सबसे अच्छी बात यह है ना कि आप डेली अपने बाल को वॉश कर सकते हो। अब आप कहोगे कि डेली बाल वॉश करना यानी कि बाल और ख़राब होना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप अपने बाल को डेली वॉश कर सकते हो। अगर आपके बाल बहुत डैमेज हो गए हैं, आपके बालों में कोई भी तरह का कुछ भी सीरम, शैम्पू या रेमेडी नहीं असर करती है, आप सिर्फ और सिर्फ डेली अपने बालों को वॉश करना स्टार्ट कर दो। कोई भी नॉर्मल हर्बल शैम्पू ले लो जिसमें पैराबिन ना हो, सल्फेट ना हो, तो वो वाले शैम्पू से आप डेली अपने बालों को वॉश भी कर सकते हो। 2-3 मिनट के लिए अपने बालों में ऑयलिंग कर लो। अगर डायरेक्ट नहीं वॉश करना चाहते हो, नहीं शैम्पू लगाना चाहते हो, तो थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए ही ऑयलिंग कर लो। इसका असर आपको 15-20 दिन के अंदर दिख जाएगा अगर आप डेली 14 डेज तक अपने बालों को वॉश करो, रोज़ के रोज़ शैम्पू से अपने बालों की सफाई करो, अपनी स्कैल्प क्लीन करो, आपके बाल अपने आप ही हेयर ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएंगे और आप खुद ही देखोगे कि आपके बाल कितने हेल्दी हैं और उनमें ग्रोथ भी आने लगेगी। तो इसीलिए अगर आप कोई ऐसे जन हो जिनके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, जिनको लगता है कि हेयर ग्रोथ आना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है, तो वो लोग अपने बालों को डेली वॉश करना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो अब आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ ये रेमेडी जो कि फटाफट से आप बना लोगे। सिंपल सी रेमेडी, छोटी मोटी चीज़ों के साथ मिलकर ये रेमेडी बन जाती है। इस रेमेडी के एक हिस्से के पीछे तो ये पूरी की पूरी दुनिया पागल है। वैसे जैसे ही मैं उसका नाम लूंगी आप सब तुरंत समझ जाओगे, लेकिन इस रेमेडी को जिस तरह से मैं यूज़ करती हूँ, अगर उस तरह से आप सब ने यूज़ कर लिया तो इस गर्मियों के मौसम में आपका हेयर ग्रोथ होने की 110% गारंटी मैं लेती हूँ। तो चलो फटाफट से आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ ये एक बेहतरीन DIY मास्क, जिसे यूज़ करके इस गर्मियों के मौसम में आप अपनी स्वेटिंग को दूर कर सकते हो, साथ साथ अपने बालों की ग्रोथ बढ़ा सकते हो।
पहले मैं आप सबके साथ थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ कि मैं ये वाला हेयर मास्क किस तरह की चीज़ों से बनाने वाली हूँ। जैसे ही मैं उसका नाम लूँगी ना, आप सब बिल्कुल भी शॉक नहीं होने वाले हो। मैं यहाँ बात कर रही हूँ राइस की। यस, राइस को लेके हम सब बहुत एजुकेटेड हो गए हैं, हम सबको पता चल चुका है कि राइस हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए या फिर हमारी बॉडी के लिए क्या कमाल कर सकता है। तो आप लोग राइस का इस्तेमाल ज़्यादा क्यों नहीं करते? मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इस गर्मियों के मौसम में आपको राइस वाटर का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि वो कूलिंग नेचर का होता है और हम सबको पता है कि इस गर्मियों के मौसम में स्वेटिंग की वजह से हमें स्किन में प्रॉब्लम होती है, हेयर में प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम राइस का इस्तेमाल अपनी स्किन केयर, हेयर केयर में इंक्रीज कर देते हैं, तो इस गर्मियों में जितनी भी प्रॉब्लम हो रही होती है ना, उन सबका खात्मा वैसे ही हो जाता है। तो चलो अब इस रेमेडी को बनाते हैं और फटाफट से जो चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ उन सब चीज़ों को आप लेकर आ जाओ। बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है, आप आराम से बना लोगे और हो सकता है ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो, और ना अवेलेबल हो तो फटाफट से इसको अवेलेबल करवा लेना, क्योंकि इतना सा इन्वेस्टमेंट तो आप अपने बालों के लिए कर सकते हो अगर आपको हेयर ग्रोथ चाहिए तो। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है चावल, वो भी आपको चावल वो वाला लेना है जो हम लोग चावल का पानी नहीं लेना है आपको, जिसे हम लोग माड़ भी कहते हैं और चावल का एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। बहुत से लोग चावल को थोड़ा सा पका के उसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है, जिसे हम स्टार्च के नाम से जानते हैं, उसे निकाल देते हैं। वो ही स्टार्च हमें चाहिए अपनी इस रेमेडी में, तो उस स्टार्च को लेकर के आप रख देना। जब हल्का सा ये ठंडा हो जाए तो इसमें आपको मिलाना है आपकी वो रेमेडी जो आपके बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करेगी और आपके बालों का टेक्सचर भी इम्प्रूव कर देगी। आपको मिलाना है इसमें सैफ्रॉन, जिसे हम केसर कहते हैं। मेरे पास ये केसर है, अगर आपके पास नॉर्मल वाला भी हो, मेरे पास ये केसर है, जब मेरी सिस्टर कश्मीर गई थी तो वो वहाँ से मेरे लिए लेकर आई थी। अगर आपके पास नॉर्मल वाला भी हो तो आप वो वाला भी केसर इसमें मिला सकते हो। मैं इसमें सिर्फ 2-3 स्ट्रैंड्स मिला रही हूँ। आप देख सकते हो कि सिर्फ इतने से स्ट्रैंड ने इसके कलर को कितना चेंज कर दिया है। आपको मैं कंपेयर करके भी दिखाऊंगी कि इसका जो कलर पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया। उसके बाद आप इसमें मिला देना पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, जो कि आपको कूलिंग इफेक्ट देगा और आपके स्ट्रेस लेवल को भी मैनेज करेगा। और इसमें मैं थोड़ा सा टी ट्री एसेंशियल ऑयल भी मिलाऊंगी, अगर आपके बालों में किसी तरह का बैक्टीरिया वगैरह है, किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो उससे भी आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। आप ये सारी की सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए रख दो ताकि सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद आप अपने पूरे के पूरे बाल पे इसको इस तरह से लगाओगे जैसे आप अपने गमलों में पानी डालते हो, कि अच्छे से ये चीज़ आपके बालों में सूख जाए, समा जाए, अच्छे से इन्वॉल्व हो जाए, आपके हेयर इस रेमेडी को अच्छे से एक्सेप्ट कर लें अपने बालों में। और इतनी ज़्यादा उस टाइम आपको इतनी अच्छी स्मेल आएगी। अक्सर ये कहा जाता है ना कि अगर आप अपने गमलों में पानी नहीं दोगे तो वो सूख जाएगा, उसी तरह से अगर आप अपने बालों में चावल का पानी टाइम टू टाइम नहीं अप्लाई करते हो ना, तो आपके बालों का जो मॉइस्चर है वो चला जाएगा। सबसे अच्छी बात इस वाले हेयर मास्क की ये है कि ये आपको इस गर्मियों के मौसम में कूलिंग इफेक्ट देगा, क्योंकि ये हेयर मास्क नेचर इसका है कैसा, कूलिंग नेचर है, तो ये आपको कूलिंग नेचर देगा, तो आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। आप जब इसे लगाओगे, जैसे मैंने तो इसको शाम में लगाया था, मुझे टाइम हो गया था, और फिर उसके शाम में लगाया था, उस तभी मुझे इतना ठंडा ठंडा सा फील हो रहा था अपने बालों में, और मुझे ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हाँ, मेरे बालों की स्वेटिंग जो है वो आज तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो उसी तरीके से आप भी लगा लेना, अब जब उसी तरीके से आप भी अपने बालों में लगा लेना और फील करना, और इसकी स्मेल इतनी नाइस है ना कि आपका स्ट्रेस लेवल भी मैनेज हो जाएगा। मैंने रात में लगाया था, मुझे इतनी अच्छी नींद आई ना इस वाले हेयर मास्क के बाद कि मैं आपसे बता नहीं सकती। हो सकता है आप लोग भी अगर शाम को लगाओ तो आपको भी बहुत अच्छी नींद आएगी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए। अब आपको क्या करना है ना कि इसको अपने बालों में लगे रहने देना है। ये थोड़ी देर तक मैंने इन सबको आपस में मिक्स होने के लिए रख दिया, तो उसके बाद आप इसका कलर देख सकते हो, 2-3 स्ट्रैंड्स ने इसके कलर को इतना चेंज कर दिया है। तो जस्ट सोच के देखो कि ये आपके बालों के कलर को कितना अच्छा इन्हांस करेगा, आपके बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव कर देगा। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो कि आपके बालों के कलर जा रहा है, आपके बाल बहुत वीक हो रहे हैं, आपको ग्रे हेयर की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस वाले रेमेडी को यूज़ करके देखो, ये आपके बालों के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। और आप यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हो कि पहले ये वाला स्टार्च कैसा था, उसके बाद इस स्टार्च का कलर कैसा हो गया है। बेतहाशा बेनिफिट्स है इस सैफ्रॉन के, अगर आप इसको अपने स्किन केयर, हेयर केयर जर्नी में इंक्लूड करते हो, तो ये आपको एक
हार्मोन स्पेशलिस्ट होता है ये, तो अगर आपको हार्मोन की वजह से स्किन इश्यूज हैं, हेयर इश्यूज हैं, तो वो सब भी धीरे धीरे करके बैलेंस हो जाएंगे। आपको क्या करना है ना कि अपने पूरे के पूरे बाल में इसको अच्छे से अब्सॉर्ब करवा देना, 3 आवर्स के लिए इसको अपने बालों में छोड़ देना, उसके बाद नॉर्मल शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लेना। नेक्स्ट डे अपने बालों को जब आप देखोगे तो इतना ज़्यादा अच्छा आपके बाल में रिजल्ट आया होगा। आप देखोगे कि ये 2-3 स्ट्रैंड्स सैफ्रॉन ने आपके बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव कर दिया, आपकी हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव कर दिया, आपकी हेल्थ को, आपकी स्कैल्प हेल्थ को इम्प्रूव कर दिया। ज़्यादा मशक्कतें आपने अपने हेयर ग्रोथ के लिए करी होगी, ये उसका ये चीज़ तो उसका समझो कि कुछ भी नहीं है, ये 1% भी नहीं है। जस्ट स्टार्च निकालो, उसमें 2-3 स्ट्रैंड्स ऑफ सैफ्रॉन के मिलाओ, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल मिलाओ, नहीं आपके पास टी ट्री ऑयल कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप मिंट उसमें मिला दो, उसके बाद देखो कि ये इतनी सिंपल सी होम रेमेडी आपके बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगी, आपको हेयर ग्रोथ देगी और इस गर्मियों के मौसम में आपको स्वेटिंग से दूर करेगी। चावल के बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोग कहोगे कि तुम रहने दो, हमें खुद ही पता है कि चावल कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे हेयर के लिए और हम सब ने बहुत बार चावल को अपने बालों में लगाया भी है। तो मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि जिन जिन लोगों ने अपने बालों में चावल का पानी लगाया है, क्या उन लोगों के बालों में ड्राइनेस आई थी? बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट मैं आप सबके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा इंप्रूवमेंट आया है पहली ही बार के यूज़ में। वैसे मैंने 1-2 बार और ये वाला हेयर मास्क अपने बालों में अप्लाई किया है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गई थी, तो मैंने ये वाली रेमेडी अपने बालों में अप्लाई करी थी, मुझे बहुत ही कूलिंग इफेक्ट मिला था और साथ ही साथ मेरे बालों का जो टेक्सचर था वो भी इम्प्रूव हुआ था। तो इस वाली रेमेडी को आप यूज़ कर सकते हो, चावल के बेतहाशा बेनिफिट्स हैं गाइस, वो आप सबको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि चावल के क्या फ़ायदे हैं और चावल हमारे बालों के लिए क्या कमाल कर सकता है, तो वो हम मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, वो हो सकता है आप लोग ही मुझे कमेंट सेक्शन में एक्स्ट्रा उसके जो बेनिफिट्स हैं वो मुझे बता दो कि चावल से ये भी फ़ायदे हैं, चावल से वो भी फ़ायदे हैं, शेयर कर सकते हो। और पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, अगर आप गर्मियों के मौसम में उसे अपनी जर्नी में, अपनी जो भी स्किन केयर या हेयर केयर जर्नी है उसमें इंक्लूड रखते हो, तो इस वाले हेयर मास्क को लगाओ गाइज और अपना हेयर ग्रोथ बढ़ाओ, अपने बालों का टेक्सचर इम्प्रूव करो, अपनी स्कैल्प हेल्थ इम्प्रूव करो, अपने बालों को मजबूत बनाओ, क्योंकि ये इतना मजबूत और इतना पावरफुल हेयर टॉनिक हेयर मास्क है जो कि इस गर्मी के मौसम में ये दावा करता है कि आपके बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव कर देगा, आपके जो हेयर का टेक्सचर खराब हो रहा है इस गर्मियों के मौसम में बाहर निकल निकल के उसे इम्प्रूव करेगा और आपकी जो स्कैल्प हेल्थ है उसको टारगेट करेगा। इस रेमेडी को शेयर करने के बाद भी मैं यही बोलूंगी कि आप लोग किसी मैजिक की उम्मीद मत करो, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो, स्टेप बाय स्टेप लो, छोटे छोटे स्टेप लो, उससे इतने बड़े चेंजेस आते हैं ना कि आपको शॉक्ड हो जाओगे। आपकी जब आपने छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में लिए होंगे उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा तो उसमें यू गाइज विल बी शॉक्ड कि इतना अच्छा रिजल्ट मिला है एक छोटे छोटे चेंजेस से या फिर छोटे छोटे स्टेप लेने के वजह से। किसी भी चीज़ का अच्छे से ध्यान देना, उस पर तवज्जो रखना, उसका ख्याल रखना, तो वो चीज़ें और इम्प्रूव होती हैं और अच्छी होती हैं अगर आप किसी चीज़ का अच्छे से ध्यान देते हो तो। तो अच्छा लगा हो मुझसे बात करना, मेरी बातें सुनना, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मुझसे दोबारा मुलाकात करने के लिए बहुत ही आसान है, यहाँ पे सब्सक्राइब कर दो। अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि जिसका बिल्कुल भी हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, जिसको बालों में बहुत स्वेटिंग हो रही है, जिसके बालों का टेक्सचर खराब हो चुका है, तो उसको ये वीडियो फटाफट से शेयर करो, इससे क्या होगा मेरी उससे मुलाकात भी हो जाएगी और ये सारी प्रॉब्लम भी उसकी दूर हो जाएगी। और कोई आपके स्किन के मसले हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।